अस्सलामु अलैकुम। हम नीचे आ गए हैं और 12:15 बजे हमारी सुबह हुई है। अभी होगा नाश्ता, क्या होता है नाश्ते में देखते हैं। चलो चलो नाश्ता लेने। नाश्ता घर में नहीं बना, मक्खन दम रोटी लेमन सैंडविच पता नहीं क्या क्या बोला है, आते हैं देखो। इतना है मक्खन वो पड़ा हुआ। टिक्का सीख कबाब ये आ गया सामान नाश्ते का, जा रहा हूँ घर पे, धूप बहुत है। ये लो भाई, ये आ गया नाश्ता, डबल रोटी मक्खन लेमन सैंडविच और केले, ठीक है। साथ में ये आया है ये साशे टिक्का सीख कबाब का और ये दही। अब ये रात को इस्तेमाल होगा, क्या बनेगा ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल लेकर आ गया हूँ, घर वालों ने बोला लेकर आओ, लेकर आ गया हूँ। अभी होगा नाश्ता। लो जी, मुन्नी के बाल बन गए, मुन्नी के दादा ने बाल बनाए। बाल देखो, बाल दिखाओ, इंटरनेशनल बाल बनाए। ये भाई कैसे लग रहे हो? अजान हो गई, अजान हो गई, अजान हो गई। हाँ तब भाई क्या बेच रहे हो? ये कौन सा है? आज है, कल का चौंसा है जो पसल को ये आज की है। चलो अभी मैं नमाज पढ़ गया हूँ। नमाज पढ़ गया, अच्छी बात है भाई। नमाज पहले मेरा भाई, नमाज पहले। वो पसु का पपीता है, ये पपीता कच्चा पपीता ईद वाला। और ये भाई आए थोड़े परेशान, ये तो मजीद भाई हमारे हैं, इनके से परेशान। हाँ एक मिनट अभी कर देता। वाह नोट दिखा रहा हो अल्ताफ भाई, नोट दिखा रहा हो यार। अजी जाली नहीं है, असली है ना? हैं, इसमें नहीं पता चलता जाली असली का भाई। भाई हम रात को निकले थे, रात का मंजर अलग था, अभी का मंजर देख लो। मार्केट खुल गई है, ये चक्की है, ये ठेले खुल गए हैं सारे, ये गाड़ी जा रही है, पता नहीं किसकी है, होगी किसी इंसान के बच्चे की होगी। ये जा रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, दुनिया चल रही है भाई ऐसे ही बात है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे इब्राहिम भाई है, बिल्कुल माशाल्लाह। ये धुराजी वाले, धुराजी वाले, धुराजी वाले इब्राहिम भाई। गफार भाई को तो आप देख चुके हो रात को, लाड़काना वाले। और ये हमारे आबिद भाई, हमारे पड़ोसी, सब्जी पड़ोस है, सब्जी पड़ोस का बेटा। कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे आबिद भाई माशाल्लाह। ग्राहक आता है बोलता है 80 रुपए किलो, ग्राहक बोला 60 रुपए लगाओ, ये बोला चलो ले लो। यूसुफ भाई की ले लेंगे बाद में, हमारे पड़ोसी वो ले लेंगे। चक्की वाले माशाल्लाह, चक्की वाले के लूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर पे कोई ना कोई काम खड़ा होगा, करना पड़ेगा, देखते हैं क्या काम है। नहीं होगा तो आराम करेंगे, चलते हैं। लो जी, आते के साथ ये 4 गैलन बोले, 2 बोतलें 2 गैलन बोले, नीचे से उठा के ले आओ। ले आया उठा के, 1 फ्लोर पे चला दिया, यहीं पड़े गए, जो करना है करेगा। ये आपने क्या डाला? दही। दही अच्छा, अदरक लहसुन को पेस्ट डाला ना अंदर 2 चम्मच। अच्छा ये दही क्या है? ये कितना है दही? ये 1 पाव दही के अंदर, तो 1 पाव दही के अंदर। अब इसमें मसाला ऐड होगा, मसाला आ गया है, ये हरा मसाला आ गया है, मसाला आ गया है। अच्छा जाके देखना, मुन्नी रो रही है। 2 चम्मच बल्कि दो चम्मच डाली, 3 है बोल रहे हैं 2, ठीक है कोई बात, अपने हिसाब से डाल देना भाई। 1 पाव दही के अंदर ये कहानी करी है। और क्या है ये? टिक्का सीख कबाब साशे, टिक्का सीख कबाब साशे जा रहा है अंदर। ये जाने के बाद पता नहीं क्या क्या डलेगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको, बेफिक्र हो जाओ, आप भी घर में बना।
रही है को मेरे में चल रही है। हाँ जी जी, ये क्या डाला आपने? लाल चटनी पीसी भी। कितने चम्मच डाली आपने? एक चम्मच, दो दो, हाँ डेढ़ डेढ़ चम्मच लाल चटनी पीसी भी, लाल मिर्ची पीसी भी, लाल चटनी पीसी भी की बात है। ठीक है, हो गया। ये डल गया है, ये डल गया है, ये शेप आ गया है। अब ये जा रहा है अलारिंग करे, क्या जा रहा है। अच्छा, इसको हिलाना भी है, इसको मिक्स कर दियो। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हाथ साफ है। जय के ऐसे नहीं आते बाबू। ये आ गया इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा, माशाल्लाह। ये कितने किलो का होगा? गोश्त का पीस आ गया। अच्छा बता दिया, हंटर बीफ बन रहा है। हाँ, हंटर बीफ आप लोगों ने तो खाया होगा। ये मिक्स हो गया इसके अंदर मसाला। ठीक है, मसाला मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें ऐड होगी। अच्छा, ये लोग डालेंगे चीज़ें। अच्छा, मसाला चलाने के बाद इसको फ्रिज में रख रहे हैं कितने घंटे के लिए? इतना प्यारा हो रहा हमारा, हम सिर्फ आपको एक ही पता नहीं कि आपको हम तस्वीर बताएंगे भाई। अच्छा, तो आज रात को हमारे घर में बनेगा। अच्छा जी, ये टाइम हो गया इसका बाहर निकालने का। मैं निकाल रहा हूँ बाहर, निकल गया बाहर। ये इधर आ गया है, हमारे घर की वायु करेगी शुरू करना इसके साथ। रो भैया करना, माशाल्लाह। ये तो पूरा इसके अंदर फिक्स हो गया मसाला। अजी एक घंटा आने जाएगा है, अजी एक घंटा हम मसालों चले रो रहे। क्या करना अभी? बस घुमा भी दिया मैंने, पाछो घूम दिया। अच्छा, अभी घुमाने के लिए बाहर निकाला था, मैं समझा पकाने के लिए बाहर निकाल दिया। अब इसको दोबारा घुमा दिया, घूम गए। बच्चा दरवाज़ा खोलो, फ्रिज का खोल लो, वापसी अंदर जाओ, एक घंटे के बाद निकल जाओ, बता रही हूँ। चलो जी, अब ये निकल रहा है। एक घंटा हो गया, मैंने इसको बोला था एक घंटे से पहले बाहर ही निकल लियो, इसने मेरी बात मान ली है। कहाँ रखना है, चूल्हे पे रखना है? चलो चूल्हे पे रख दिया हमने, चूल्हे पे रख दिया। ये इसमें ये हंटर भी। अच्छा, ये सिरका है। आधा घंटा लग, दो कप जट लो सिरको डाल। आधा कप सिरका डल गया इसके अंदर। ठीक है, आधा कप सिरका डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, अब इसको हिलाएंगे ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। हिलालो हिलालो हिलालो। अच्छा, अब ये चूल्हा हो गया चालू। इसकी कौन सी आंच में? तेज नहीं, नहीं हमारे हाथ और जरा के ने हाई आंच रे, वो तो पछे ना बाद मीडियम मत। कितनी देर फास्ट आंच? 10 मिनट लगे। 10 मिनट के लिए हाई आंच पे रखनी है, इसके बाद धीमी आंच में रखना है। कितनी देर तक? ये तो पांच घंटा लगी पास आ रोज है, अंदर भी से तो बहुत टाइम लगा। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहे हैं ना, अभी 5 बज रहे हैं। तो अभी कब बंद करोगे चूल्हा? रात को 10:30 बजे। अच्छा, अभी इसमें थोड़ी चीज़ों डलनी बाकी है। ठीक है ना, वो डलेगी इसके अंदर। ऐसा वी आई पी बनता ना माशाल्लाह से। ओए होए होए। अच्छा, क्या डलेगा? अभी डालना बाद में? बाद में डलेगा वो 10 बजे। अरे भाई, जब डलेगा तब आ जाएंगे। ठीक है, ये बन रहा भाई। ठीक है, अच्छा अब ये हट रहा है और ये पानी जो है गर्म करके इसमें डाला जा रहा है, ये ताकि इसमें ये गल जाए ना, ये गल जाए तरीके से। गर्म पानी डाला, ठीक है, एक गिलास, तकरीबन एक गिलास। हाँ,
अब ये हल्की आंच हो गई है, ये नहीं थोड़ी फ्राई की है पानी डालने के बाद। अच्छा सॉरी, ये थोड़ी थोड़ी तेज की है, हाई स्लो के स्लो, अच्छा मीडियम है ना ये देखना। हाँ ये मीडियम है, ये मीडियम है मीडियम। अब इसको घुमा भी दिया है, थोड़ा घुमा दिया इसको, घुमाने के बाद मेरे ख्याल में इसको ढक दिया जाएगा। हाँ चलो अभी इसको पकने दो, बहुत टाइम लेता है भाई ये तो, बहुत टाइम लेगा ये, अभी थोड़ी गलेगा, अभी तो साढ़े खाने के टाइम पे 10 मिनट लगे, ठकाठक सब लोग खा लेंगे। इधर देखो, कोई हम देखने में मसरूफ है। आज पूरी वीडियो 100 बीफ पे ही है मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स। ये आप जानते क्या है, ये 100 बीफ के साथ एक स्पेशल चटनी बनने जा रही है, इसे हम कहते हैं तलार चटनी, तलार मिर्चों की चटनी। क्या बनती है यार, बंदा जो ना बस जा दो पराठे खाते ना वाले, चार पराठे खा जाओ इसके साथ, क्या मज़ा आता है और हजम भी हो जाता है माशाल्लाह। ईद के दिन, ईद के दिनों में जब गोश्त खाओ तो ये इसका इसका इस्तेमाल करो, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ हकीकत में फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा इसको धो, इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद इसकी जो है पर की जो डंडी है निकाल दी और रख दे के साथ छोटी सी पतीली में, ठीक है ऐसे, ठीक है ठीक है। ये आखिरी रह गई है, 6 मिर्चें डाली इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या क्या मिक्स होगा आप देखते जाइए गौर से, 6 मिर्चें डली है ये, ये मेरे ख्याल में 100 रुपये की आई है, ठीक है। अच्छा भाई करीब करीब अंधेरा हो जाता है ऐसे, ठीक है ऐ ठीक है ऐसे। अच्छा आधा कप जो है सिरका डलेगा, ये सिरका है, ये है सिरका 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 सिरका। अच्छा आधा कप सिरका डाल के अब ये जो इसके बीज है वो तो फेंक दिए, ठीक है फेंकने दो। अब ये क्या है, इमली का गूदा, ये कैसा बनता है भाई, अच्छा इसके ठरिये निकले ना, ये कैसा बनता है, ये हल्का सा 100 फीट को घुमाया है, एक एक नहीं अभी एक तरफ, ये हर एक घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद ये घूमेगा, ये घूम गया दोबारा इसको ढक दिया, दोबारा इसकी वो मीडियम आँच है ना, मीडियम आँच पे ही रखा हुआ है, आपको याद है ना कितने बजे रखा था, ठीक है ना। हाँ अच्छा अब ये इमली गूदा जो तैयार हो गया, अंदर से जो बीज है वो निकाल दिए हैं, अब इसको दबा के जो पानी वो निकल गया, अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे तलार मिर्ची के अंदर इनके साथ, ठीक है ऐड हो रहा है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, कह रहे हैं कि सुबह से भिगोने का होता है लेकिन हम इसको सिर्फ 2 घंटे भिगोएंगे, काम बन जाएगा, ठीक है काम बन जाएगा। अब इसको पूरा इसके साथ मिक्स कर दिया है ताकि इसके अंदर जो फ्लेवर इसका जो इमली का अंदर ऐड हो जाए, है ना। अच्छा अब सिरका जो है कह रहे हैं कि इसमें और डलेगा, आधा कप कहा था, आधा कप मेरे ख्याल में डला नहीं है, ये वहाँ से निकाली बोतल VIP, चलो ये बोतल खुल रही है, नवी वाली बोतल खुल रही है, छोड़ नहीं करो फैसल। अच्छा ठीक है कड़ पकड़ लंबे वो सी नवी पूरी तो चलो डालो 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 आयो आयो ये बस बहुत बधारे हो गया, लो तुम लोग खाना में। अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज ऐड होगी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शुगर और उर्दू में चीनी और हमारी घाँचे जमाना बोलते हैं खांड, ये चीनी कितनी, इतनी ये इतनी बस आप अंदाज़ा लगा लो, एक कप बहुत बधारी हो जाती है, बस ये समझ लो इतनी आपके सामने डाली थी इतनी है भाई चीनी, ठीक है भाई डाल देना अपने हिसाब से। ये भी ऐड हो गया, इसको मिक्स कर रही हैं, मिक्स कर लो मिक्स कर लो
मिक्स कर लो, ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ मिक्स कर लो। बोलो सो अभी कितना रखना टाइम? वैसे ये सुबह से रखने का होता है लेकिन हमें लेट हो गया था तो हम इसको 3 से 4 घंटे भिगो के रखेंगे। अच्छा अभी टाइम हो रहा है 7:45 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, हम लोग 9 बजे तक इसको बना रहे हैं। 9 बजे 9:30 तक इसको इसके अंदर जो आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। ठीक है अभी इसको ऐसे ही इसको ढकना है इसको। चलो ढक दो इसको, इसको ढक देते हैं। लाओ कोई प्लेट दे दो, ये ढक दो, ये ढक दिया। ठीक है जी ये स्पेशल चटनी तैयार होने जा रही है हमारी, तलार मिर्चों की चटनी। आज भी हमारे घर में मेहमान आए हैं। ये बैठे हुए, ये आटा गूंदा जा रहा है, ये मैदे का आटा है, मैदे का आटा है, इसके बनेंगे पराठे। हंटर बीफ के साथ खाएंगे पराठे और साथ में होगे तालार की मिर्ची की चटनी रे। माशाल्लाह आटा का, आटे का शुद्ध ये भी हो गया, क्या गूंदा आटा भाई। क्या करना है? ढकना है। आधा पौना घंटा इसको पैक करना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए ज्यादा। ओके अच्छा, हंटर बीफ के लिए ये हंटर बीफ में शामिल होगा केचप, केचप ये चेकअप। बस किया अभी बोलो और थोड़ा बस हाँ, ये इसी की तो कमी थी खाली। आने हार उसी फेटी ले। अब फेटना है, फेटम फाटी करो। हमारी तो खबर नहीं मुंह बोली जब फेटम फाटी है, फेटम फाटी है। ये बन रहा है। ये अब जाके खुला है कितने घंटे बाद? नहीं हर 1.5 घंटा से, हर 1.5 घंटे बाद आते हैं घर वाले उसको घुमाते हैं। और ये माशाल्लाह बनने की हद तक आ चुका है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखो चमचा भी अंदर जा रहा है। हाँ 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 ऐसे अंधेरा आता है ना अक्सर यार, इसलिए अच्छा व्यूअर्स थोड़ा सा अंधेरा है तो देख लेना, लाइट लगा के मसला नहीं है। ये केचप जा रहा है, ओ केचप जा रहा है। माशाल्लाह क्या बन रहा भाई, अभी से मुंह में पानी आ गया है। पानी ले करो, पानी ले करो, पानी ले करो। अंडरबीफ को प्यास लगी है, पानी ले करो, प्यास लगी है। पूरा हाथ से, उंगली से करो, उंगली से, उंगली से मिला लो, उंगली से मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो, इंटर कर डाल। यस डाल दिया, साफ कर। हम फिर आ गए, पता नहीं कितने बार हिलाया, मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है। आप लोग ध्यान से पकाओ ना, तो झाड़ू पाके से बना जो माशाल्लाह। आप समझ रहे हो जो ये बोल रहे, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ए मेरी आवाज नहीं छपी या अल्लाह। ये बन गया, वाह 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 बन गया। अभी 10 मिनट अभी और टाइम लगेगा, ये बुड़ बुड़ कर रहा है ना। अभी और गिलास पानी डाला इसमें, एक गिलास नहीं और दो गिलास, आधा गिलास पानी डाला है। ये हिला जुलू के थोड़ा कट पीस मार के अब जो है इसको फिर दोबारा ढक देंगे। हां मटेरियल डाल उस तो भी तरीके भी हारे अभी चलो। ये आराम से 9 बजने वाले हैं, बस अभी थोड़ा टाइम रह गया, अभी तैयार हो जाएगा। ईशा की नमाज के बाद फिर पराठे बनेंगे, पराठे के बाद फिर सब डन, सब रेडी हो जाएगा, इसके बाद खाना स्टार्ट। अब ये चटनी पीसने के लिए जा रही है, मतलब तैयार होने जा रही है। ठीक है इसके अंदर जीरा डाला, भुना हुआ जीरा डाल दिया इसके अंदर, ये डाल चुके हैं। फिर जरा सा पानी घुमा उसके अंदर। अच्छा अब जो इसके अंदर डालिए तैयार की जो मिक्स की हुई थी, अब जाके ये सब डाल दो, पानी थोड़ा सिलेंडर होने के लिए जाएगा अंदर। ये सब जा रहा है, ये सब जाएगा अंदर। ठीक है
अब थोड़ा सा पानी ऐड होगा, कितना थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सही डालो। यस अब ये होगा ग्राइंडर में। इसमें नमक डाल दें, नमक डाल हाँ नमक थोड़ा सा ठीक है। ये कितने लहसुन है? थोड़ा सा ही, 5-6 जब है ठीक। ये नमक है, नमक कितना डाला? आधा चम्मच? नहीं नहीं हसबे जाएगा, हसबे जरूरत हसबे जाएगा ठीक है। स्क्रीन घुमा दिया। अब जो है ये भी ग्रैंड होगा, स्टार्ट किया, पकड़ो उसको से पकड़ो पकड़ अच्छी बनी है माशाल्लाह। अच्छा इसमें ना ये लीजिए, ये हमारी तलार मिर्ची की चटनी तैयार हो चुकी है, इतनी मज़ेदार कि ये झट से ख़त्म हो जाएगी। चटनी चटनी तलार चटनी मैदे के पराठे स्टार्ट हो गए, आज लंबी वीडियो बन जाएगी। ये तो आ कोई बात में खुश आती है फिर बुरा है। तैयार हो रहा है पराठा, तैयार हो रहा है। मैं तुमने सिकू में चढ़ा लिया तो मैंने सेकी देवन आ रही है। नहीं भाई सेटिंग है खराब से लोगों ने, मैंने ये मशवरा दे दो कि पतीलो ले लियो और नामा चढ़ा भी दियो नाखी दियो सीख बोटी खाली कीमोस से। हाँ मसाला वगैरह जोड़ बहुत नरम करना है वो सील को, सीख माते ना थी फेरी हो। ये पराठा हो गया तो यार भी बाकी है, भी बाकी इस तरह भी बाकी मेरे दोस्त। अच्छा ये भी लेना, एक बन एक आटा गूंद रही है और एक पराठा बुन और एक पराठा बुन रिया है। देख लो दोस्तों कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में, और खाने में 10 मिनट लगते हैं खाने में, और साथ में नुक्स भी निकालते लोग। इसमें नमक कम था, इसमें ये था, फलाना ढिकना पूछना सब कुछ था। ये गया पराठा उधर। इसी तरह सारे पराठे बनेंगे इंशाल्लाह जब खाना तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम आते हैं। फाइनल तैयार हो गए ये पराठे हैं माशाल्लाह। 1-2 कितने बनाए पराठे? 13 पराठे हैं माशाल्लाह। और ये क्या है? ये वही है जो हम सुबह से लगे हुए थे, हंटर बीफ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की तारीफ माशाल्लाह। और ये जो है इसका स्पेशल चटनी साथ में मिला के खाएंगे, बस ये साथ में हो ना माशाल्लाह बात ही कुछ हो रहा है माशाल्लाह। हाँ तो दोस्तों आज आपने देखा कि हंटर बीफ कैसे बनता है, जितनी मेहनत आज हंटर बीफ बनाने में लगी उतना ही मज़ा हमें खाने में आया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बना था। तो आज तक के लिए इतने बहुत है, नींबू
सारी सोने के लिए जा रहा हूँ अब तक ले, मतलब इतना ही बहुत है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो ओके टाटा बाय बाय शब्बा खैर अल्लाह हाफिज आओ जो